साथ में हूं अनुराग मुस्कान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 80 में डकैती की खबर आई है। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट बनाने वाली कंपनी में 50 लाख से ऊपर की डकैती का मामला सामने आया है। बदमाशों ने इस कंपनी के गार्ड को बंधक बना करके इस डकैती को अंजाम दिया। अब पुलिस मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले की वो तफ्तीश में जुटी हुई है। नोएडा का सेक्टर 80 जहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में लूट हुई है। इस कंपनी के गेट पर जो गार्ड तैनात था उसे बंधक बनाया गया और फिर इस लूट को अंजाम दिया गया। ललित मोहन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी दी पुलिस ने इस लूट को लेकर? जी देखिए अनुराग, अभी थोड़ी देर पहले ही जो है वहाँ पे पुलिस के आला अफसर वहाँ पे पहुंचे हैं, उसका मुआयना किया है किस तरीके से जो है एक डकैती को अंजाम दिया गया। एक ये इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ गुड्स हैं जो इनके यहाँ तैयार किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सेक्टर है, सेक्टर 80 जो है बिल्कुल एकांत में पड़ता है। और जिस तरीके की ये फैक्ट्री थी, फैक्ट्री भी बिल्कुल एकांत में कोने में थी। वहां पर जो है बीती रात की घटना बताई जा रही है, करीब ये घटना होगी। जो पुलिस के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो 12 से 4 बजे के बीच में जो है इस डकैती को अंजाम दिया है। करीब एक दर्जन भर लोग जो है यहाँ पे अंदर आते हैं, गार्ड को पूरी तरीके से मारते पीटते हैं और उसके बाद जो है बाकायदा कंपनी में से तमाम सामान जो है वो भर के एक टेम्पो में भर के जो है वो यहाँ से लेके भागने में सफल हो जाते हैं। जी जी, कितने लोग थे, कितने बदमाश थे जिन्होंने इस लूट को अंजाम दिया है? देखिए वहाँ पे हालांकि कंपनी के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसमें पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है कि कहीं ना कहीं कितने लोगों की संख्या थी। लेकिन गार्ड की अगर बात करते हैं तो गार्ड के हिसाब से करीब 8 से 10 लोग थे और उन लोगों ने जो है वहाँ पे बाकायदा सामान को फटाफट जो पैकिंग वाला सामान था उसको रखा और जो वहाँ पे सामान खुला हुआ था उसको भी भर के रखा है। और जो कि कंपनी मालिक की बात करें तो टोटल करीब जो सामान गया है, जो नुकसान हुआ है कंपनी का, 50 लाख के आसपास का बताया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में अपराधियों, बदमाशों के